सीबीएसई बोर्ड के 12वीं के लाखों छात्रों का इंतजार अब खत्म हो चुका है क्योंकि सीबीएसई के 12वीं बोर्ड का रिजल्ट अब आ चुका है। आपको बताएं कि कोरोना की दूसरी लहर के कारण बच्चों का परीक्षा संभव नहीं हो पाया था, जिस वजह से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एग्जाम कैंसिल करने की घोषणा की थी। हालांकि बताया गया था कि एवरेज मार्किंग करके बच्चों का रिजल्ट जारी किया जाएगा और आज 12वीं का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। सीबीएसई के आधिकारिक वेबसाइट पर बच्चे अपना रिजल्ट जो है देख सकते हैं, लेकिन हालांकि पिछले साल की तरह ठीक इस साल भी मेरिट लिस्ट सीबीएसई की तरफ से जारी नहीं किया गया है। सीबीएसई बोर्ड के 12वीं के लाखों छात्रों का इंतजार आज खत्म हो चुका है। बोर्ड ने रिजल्ट जारी करते हुए सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट पर रिजल्ट लिंक एक्टिव कर दिया है। इस साल 12वीं में 99.37% छात्र पास हुए हैं। आपको बताएं सीबीएसई बोर्ड 12th रिजल्ट 2021 में इस साल छात्राओं का पास प्रतिशत 99.67 था, वहीं छात्रों का 99.13 पास प्रतिशत रहा। दिल्ली रीजन में इस साल 99.84% छात्र पास हुए हैं। आपको बता दें सरकार ने कोरोना के हालातों को देखते हुए सीबीएसई बोर्ड की इस वर्ष 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं कैंसिल कर दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी घोषणा की थी। इस बार रिजल्ट इंटरनल मार्किंग और सीबीएसई के तय फॉर्मूले पर तैयार किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने 12वीं का रिजल्ट जारी करने के लिए 31 जुलाई तक का डेडलाइन दिया था, इसलिए बोर्ड ने 10वीं से पहले 12वीं का रिजल्ट जारी कर दिया है। बोर्ड ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि एक बार में एक ही रिजल्ट जारी होगा, इससे 10वीं के रिजल्ट का इंतजार कर रहे छात्रों को थोड़ा और रुकना होगा। इस साल सीबीएसई ने लगातार दूसरे साल कोई मेरिट लिस्ट जारी नहीं किया है। बता दें सीबीएसई ने जून में स्कूलों को क्लास 12 के रिजल्ट को तैयार करने में मदद करने के लिए टेबुलेशन पोर्टल लॉन्च किया था। बोर्ड ने एक बयान में कहा था कि इस सिस्टम से आंकलन के काम में आसानी होगी और जो परेशानियां हैं वो भी दूर होंगी। रिजल्ट तैयार करने के लिए बोर्ड द्वारा गठित 13 सदस्यीय समिति ने यह फैसला किया था कि 30:30:40 पॉलिसी लागू होगी। इसमें 30% अंक 10वीं बोर्ड परीक्षा के आधार पर, अगले 30% अंक 11वीं कक्षा के और 40% 12वीं कक्षा यूनिट, मध्य टर्म और प्री बोर्ड परीक्षाओं के आधार पर दिए जाएंगे। तो आपको हम बता दें कि कोरोना की सेकेंड वेव ने पूरे देश भर में इस तरह तबाही मचाई थी जिसकी वजह से 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया था और आज सीबीएसई की जो बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट है वो जारी कर दिया गया है। इसके लिए जो टीम है वो गठित की गई थी, जिसके लिए आपको बता दें कि 30:30:40 के आधार पर जो है वो रिजल्ट तैयार किया गया है। बीते कई महीनों से बच्चे जो है अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे और इंतजार की घड़ियां आज खत्म हो गई हैं क्योंकि आज 12वीं सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। धन्यवाद।